Hey guys, welcome back to my channel. This is Tanu here, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन. सो आज मैं अपने भाई बहन सबके साथ मैं जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट में मैं पहली बार जा रही हूँ. वीडियो एक रिव्यू होगा और वो रेस्टोरेंट का नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, है ना. तो चलिए मेरे साथ. और ये जो रेस्टोरेंट है ये प्रॉपर पोर्टब्लेयर में ही है और सिटी से हार्डली लाइक 5 मिनट डिस्टेंस है. तो मैं और सारी इन्फॉर्मेशन मैं रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको बताती हूँ. तो आज हम आए हैं होटल लालाजी में, जो कि डिगनाबाद में लोकेटेड है. और इस होटल लालाजी में अलोंग विद रेस्टोरेंट लॉजिंग सर्विस भी अवेलेबल है. और मुझे इस रेस्टोरेंट की जो फर्स्ट चीज़ जो अट्रैक्ट हुआ है वो है इसका एम्बियंस, क्योंकि मुझे पर्सनली डिम लाइट उसके साथ लाइट म्यूज़िक मुझे पर्सनल फेवरेट है. और एक चीज़ मुझे जो पसंद आया वो है इसकी बैम्बू से की गई कारीगरी, जो मुझे बहुत पसंद है. इसका जो आप देख सकते जो लैम्प शेड यूज़ किया गया है पूरा बैम्बू से बनाया गया है. और जो सारे छोटे छोटे डिटेलिंग जैसे रिजर्व लिखा है या फिर वेलकम लिखा है, चेक इन टाइम लिखा है, चेकआउट टाइम लिखा है, ये सारे बैम्बू से बनाया गया है. और जो स्ट्रॉ यूज़ होता है होटल लालाजी में ये भी बैम्बू से बनाया जाता है, और जो कि वन ऑफ द इनिशिएटिव टू सेव मदर अर्थ एंड स्टॉप यूजेस ऑफ प्लास्टिक है. अब मैं देख रही हूँ कि मेनू कार्ड से क्या ऑर्डर किया जा सकता है, क्योंकि आई हैव वेरी बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस होटल, बट लेट्स सी कि हमारा एक्सपेक्टेशन ही मीट करता है या नहीं. सो हम पहले ऑर्डर करेंगे स्टार्टर, और उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे मेन कोर्स, और अगर हमें पेट में कोई जगह रहा उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे डेजर्ट. तो हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया है चिकन लॉलीपॉप, और उसके साथ हमने ऑर्डर किया है चिली चिकन. मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया है चिकन टिक्का, नान, और हमने चाइनीज भी ऑर्डर किया था. उसमें हमने ऑर्डर किया था इन हॉट गार्लिक सॉस, उसके साथ चिकन फ्राइड राइस. हमारा स्टार्टर है जो कि चिकन लॉलीपॉप है, जिसका टेस्ट लाइक ओके उतना भी खास नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम है. और ये है हमारा चिली चिकन, जिसका टेस्ट बहुत ही बकवास है और क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा कम है. और ये है हमारा स्टार्टर के साथ ही आ गया मेन कोर्स, जो कि है चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, और उसके साथ नान आया है और फ्राइड राइस. लेकिन अभी तक चिकन टिक्का का नामो निशान भी नहीं है, नान पूरा जला हुआ है. और डिटेल्स में रिव्यू में बाद में देती हूँ. सो एट लास्ट हमारा चिकन टिक्का भी आया, लेकिन मैं बता दूँ खाना बहुत ही ख़राब है. नान पका नहीं है, राइस पका नहीं है, नमक कम है, और बिहेवियर भी बहुत ख़राब है. ये रेस्टोरेंट का मैं रिव्यू अभी दे देती हूँ. ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. मैं आपको घर जाके पूरा डिटेल्स में बताती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप इस रेस्टोरेंट में मत आइए, आप पछताएंगे. तो हम लालाजी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाए और हम उसके पहले जा रहे हैं. हम लालाजी में नहीं खाने के बाद हम आए हैं लाइट हाउस रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना का क्वालिटी मुझे पता है कि इट्स लाइक किंड ओके. और उसके साथ मैं बता दूँ यहाँ पे प्राइस भी मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए हम आए हैं. लेकिन उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टाफ बिहेवियर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, और हम यहाँ पे आते हैं, दैट्स व्हाई वी केम. लेट्स सी आज हम यहाँ पे क्या खाते हैं. मैं आपको घर जाके पूरा डिटेल में रिव्यू देती हूँ, तो लेट्स मीट यू इन सम टाइम. लालाजी रेस्टोरेंट में बिना खा के चले आए हैं, और यहाँ पे पब्लिक में मुझे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं घर जाके पूरा रिव्यू बताती हूँ मैं लालाजी में क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से खाने वाली हूँ. बाहर बहुत अच्छा बारिश हो रहा है.
पसंद है? मैंने तो ऐसे खाया जैसे मैं 7 जन्मों का भूखी। और तुमने कैसा खाया? Awesome. 10 जन्म से नहीं खाया वैसा खाया तुमने? मैंने जैसे डिसाइड करके आया था मैंने वैसे ही खाया गले तक। और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट लाला जी नाना जी? माय गॉड, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट। और भाई वो तो मेरी इमोशन के साथ जुड़ गया। हमारा जो प्लान बनाया इस लड़के ने, इस लड़के ने प्लान बनाया जो प्लान चौपट हुआ, आपका क्या राय है इस बारे में? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि इट वॉज ऑल प्लान। दो दिन बाद ये जो समय आया कि मुझे गले लगाएगा और कहेगा तू बंदा सही था, बस नहीं खराब कर रहा। लाला जी के बारे में आपको क्या बोलना है? लाला जी के बारे में लेकिन हमने लाइट हाउस में बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाना था। देखिए सबके प्लेट पे बस बोन्स 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 बचा है और अभी हमें जाना है घर। हाय गाइस, सो हम घर आ गए और मैं पूरा भीग चुकी हूँ इसीलिए मैंने बाल को ऐसे बांध दिया है। तो आज जो हुआ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हम गए थे लाला जी में डिनर करने के लिए, हम पांचों भाई बहन। और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का एम्बियंस ठीक लगा, उतना भी कुछ हाईफाई नहीं था और ख़राब नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने जब ऑर्डर किया उसके बाद स्टार्टर आने के लिए हमें अप्रॉक्स 40 मिनट्स हमें लगा। एंड देन जब स्टार्टर आया हमने अलग अलग प्लेट मंगवाया कि हम सेपरेट प्लेट में देंगे, तो वो हमें 3 प्लेट दिए और 3 प्लेट भी स्टार्टर आने के 10 मिनट से 15 मिनट बाद आया। जब वो प्लेट हमें दिया उन्होंने तो हमने देखा कि उसमें एक मच्छर का ऐसा, मतलब मच्छर का ऐसा चिपका हुआ है। तो हमने जब उन्होंने उनसे कहा कि देखिए भैया प्लेट पे गंदा है, प्लेट चेंज करके दीजिए, वो कहते हैं कि ये गंदा नहीं, और ऐसे ऐसे उसे खरोचने लगे। तो हमने तभी उनसे बोला कि प्लेट चेंज करके दीजिए। एंड मैंने उनको कहा था एक्चुअली पाँच में हम मैंने उनको कहा था कि ऐसा इसको आप क्लीन कहते हैं क्या? एंड देन ही गेव मी अ लुक एंड दैट लुक वाज सो डर्टी, यू नो, खराब वाला मतलब लुक उसने मुझे दिया। और उसके बाद हमें ना तो उसने टिश्यू पेपर दिया ना तो पानी दिया। और मेन कोर्स आने के बाद भी 5 मिनट बाद कुछ 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 दे रहा था। तो मेरे भाई ने कहा कि अगेन, मतलब दोबारा उसने कहा कि मेरे भाई ने कि पानी दिया। तो उसका रिप्लाई यही था कि मुझे सुनाई देता है कि क्या है, एक बार में मुझे सुनाई दे देता है। तो द वे ही बिहेव्ड विद अस वाज सो बैड। और उसके बाद हम मतलब आधा खा के हम चले आए, क्योंकि हम कोई जगह जाने से हम पूरा बहुत सारा बहुत कुछ ऑर्डर करते, लेकिन आज हम वहाँ से आधा खा के चले आए। जस्ट हमने नान लिया था और चिकन का एक करी लिया था, एंड देन नान तो ऐसे रह गया था। और मैं खाने के बारे में आपको बोलूँ, खाना तो बहुत ही ख़राब था, नान पूरा एकदम ऐसा पापड़ टाइप का लग रहा था। और जो चिकन का था आइटम था उससे स्मेल आ रहा था, और चावल ठीक से पका नहीं था, हर एक सब्जी में नमक कम था। मतलब इन ऑल अगर मैं मिलाकर बोलूँ तो खाना बहुत ही बकवास है। और उससे भी बकवास है वहाँ का जो वेटर का, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक ही वेटर है, एक वेटर 10 को दे रहा है और वेटर खुद ड्रिंक कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ पे। हाँ वहाँ पे बार फैसिलिटी भी है, वहाँ पे लोग बैठ के पी भी रहे थे, लेकिन वेटर भी पी रहा है तो उसका शायद गुस्सा हमें भी दिखा रहा है, पता नहीं क्या गुस्सा लेके वो आदमी बैठा था तो रिसेप्शन में बैठा। तो उनसे भी हमने कंप्लेन किया तो उनका आंसर एक ही था कि ये नया लड़का है तो सॉरी, बस यही उनका रिप्लाई था और कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसा एक टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा सर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट अगर आप कोई भी हो लाला जी रेस्टोरेंट से तो आप एक बार ट्रेनिंग करिए आपके जो वेटर है उनको कि कैसे ट्रीट किया जाता है। और हाँ, आपका फूड बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको भी इम्प्रोवाइज करिए। उसके बाद हम गए लाइट हाउस रेसिडेंसी, तो वहाँ पे खाना तो उतना हाई भी नहीं रहता, ख़राब भी नहीं रहता, लेकिन अप्रॉक्स वो अच्छा था एज़ कम्पेयर टू लाला जी, इट वॉज़ बेटर। और हमने बहुत कुछ खाया वहाँ पे क्योंकि हम भूखे थे। मैं आपको ये भी बता दूँगा जो लाला जी को जो प्राइस था वो मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम कम था, नहीं तो हाई था, लेकिन अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी बहुत 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 ख़राब है। और उससे भी गंदा है स्टाफ बिहेवियर और उनका खाना। तो आई होप मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा। आई गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू आई गेस। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट, एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग. बाय बाय माई लवली फ्रेंड्स.